सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो अर्श टीवी। तो एस टी एफ वालों दो वख वख मामलों विच 2 किलो 880 ग्राम हैरोइन अते एक i20 कार, एक अल्टो कार समेत 3 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया गया है। बरामद हैरोइन की कीमत आ जिहड़ी उह करोड़ां विच दसी जा रही है। लुधियाना एस टी एफ वालों दो वख वख मामलों विच इह रिकवरी आ जिहड़ी उह कीती गई है। पहले मामले विच इक पति पत्नी वालों नशीले पदार्थों की तस्करी बारे गुप्त सूचना मिलन ते घोड़ा कलोनी नेड़े एक i20 कार विच बैठे दोषी सिमरदीप सिंह उर्फ सैम नूं नाकाबंदी दौरान काबू किया गया, जिसकी कार की जाँच दौरान ड्राइवर सीट के पिछे तो नीले लिफाफे विचों 1 किलो 320 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। पुछगिछ दौरान मुलजम ने दसा कि पहला वह कपड़ा सेल्जमैन का काम करता सी, पर इन्हां दिनी काम ना मिलन करके वह यह नजायज़ धंधा करन लग पिया। उस खिलाफ़ पहला भी नशीले पदार्थ रखण का मामला दर्ज है। वह करीब 2 साल पहला हैरोइन की तस्करी कर रहा सी ते विआह ते बाद वह अपनी पत्नी सिमरनजीत कौर नूं भी नाल मिला लिया अते उस दे नाल यह तस्करी करन लग्या। वह एक खेप घाटी मोहल्ला इलाके तो लैके आया सी। पुलिस वालों मुलजम तो पुछगिछ की जा रही है, जबकि उसकी पत्नी की भाल जा रही है। एक होर मामले में एस टी एफ ने गुप्त सूचना के आधार पर चंडीगढ़ रोड उत्ते वर्धमान चौक नेड़े नाकाबंदी दौरान एक अल्टो कार विच चंडीगढ़ तो हैरोइन की खेप लेके आ रहे दो व्यक्तियों नूं काबू किया। जांच दौरान अल्टो कार के डैशबोर्ड तो चिट्टे रंग के लिफाफे 1 किलो 560 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। मुलजमान की पछाण जतिन और गुरप्रीत सिंह वजों हुई है। पुछगिछ दौरान जतिन ने दसा कि वह अपनी कार को टैक्सी के तौर पर चला है, जबकि उसका दोस्त गुरप्रीत कोई काम नहीं करता अते हैरोइन वेचण दा गैर कानूनी धंधा करता है। दोवें दोस्त पिछले 3-4 सालों तो यह नजायज़ धंधा कर रहे सन। मुलजम यह खेप चंडीगढ़ के भाबी नाँ की एक औरत तो लेके आए सन। दस दईए कि बरामद की गई हैरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार विच कीमत 14 करोड़ रुपए के करीब दसी जा रही है। पूरे मामले बारे की कहना है दविंदर चौधरी DSP STF लुधियाना रेंज का, आओ देखते हाँ अमन तगड़ की यह रिपोर्ट। सर, काफ़ी भारी मात्रा के हैरोइन बरामद हुई है, की पूरा मामला जानकारी है। कल ना जी एस टी एफ लुधियाना रेंज वालों 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहले मुकदमे के एक समरदीप सैम ना का मुंडा है घोड़ा कलोनी का, यह पिछले काफ़ी समय तो हैरोइन की जिहड़ी तस्करी करता सी ते घोड़ा कलोनी के नेड़े दे एरिए बेचता सी। इहदी इनफॉर्मेशन मिलण ते इहनूं i20 कार वाइट कलर की समेत इहनूं अरैसट किया। इहदी घरवाली जिहड़ी है वह भी नामजद की गई है। इहदे कोलों टोटल 1 किलो 320 ग्राम हैरोइन जिहड़ी है वह रिकवर हुई है। तो उस तों बाद जिहड़ा एक दूसरा मुकदमा दर्ज किया है, उहदे विच जतिन ते गुरप्रीत नां दे दो लड़के है। जतिन जिहड़ा पिछों जगाधरी हरियाणे का रहण वाला है, लेकिन यह दोनों जने हुण मोहाली रहिंदे। ये अपनी आल्टो कार जिहड़ी है उहदे विच चंडीगढ़ों इत्थे सप्लाई देण आए सीगे, जिन्हां नूं इत्थे चंडीगढ़ रोड ते अकाई हॉस्पिटल दे नेड़े गिरफ़्तार किया। इन्हां कोलों जिहड़ी है टोटल 1 किलो 560 ग्राम हैरोइन बरामद हुई है। जिहड़े दोनों मुकदमियां दे विच एस टी एफ लुधियाना रेंज वालों कुल 2 किलो 880 ग्राम हैरोइन जिहड़ी है उह रिकवर कीती है। इन्हां नूं कल अज पेश अदालत करके इन्हां दा पुलिस रिमांड लिया जाऊगा। पुछगिछ तों बाद जिहड़ा है अगे फरदर इन्हां ने कित्थों लियांदी ते कित्थे सप्लाई करनी सी वो सारा वेरीफाई किया जाऊगा। सर, किन्नी देर तो कर रहे हैं काम? ये सैम तो जिहड़ा है पिछले 1.5 साल तो कर रहा है, जो पता लग्या घोड़ा कलोनी तो। ये जिहड़े दूजे दोए मुंडे हैगे ये उधर मोहाली च करदे सीगे, लेकिन लुधियाने सप्लाई देने लई कल आए है। बाकी इन्हां दे एंटीसीडेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि रहिशी मोहाली दे। सर, पहला किन्ने मामले इन्हां ते दर्ज ने? ਇਹ ਸੈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਡਿਕਟੀ ਨੇ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਤਨ ਹੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ।